हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुबह के 7:15 बज रहे हैं और मेरे सारे क्लीनिंग के काम हो चुके हैं, जल्दी जल्दी निपटा लिए हैं। दीपक लिए टिफिन भी बनाया है और उसका नाश्ता वाश्ता होके तैयार होके बैठा है। अभी थोड़ा सा टाइम है, जैसे 10 मिनट बाकी है अभी, तो उतने में ये मोबाइल देख रहे हैं और दोनों की कहाँ सुनी भी चल रही है मोबाइल के लिए। दिनेश बोल रहा है मुझे दे दो, दीपक दिखा भी नहीं रहा है, बोल रहा है मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, फिर बाद में तुम भी देखते रहना। तो देखिए कैसे टेढ़े होके बैठा है यहाँ पर मोबाइल में। और दीपक के कॉलेज में मोबाइल अलाउड नहीं, इसी वैसे ये मोबाइल साथ में लेके नहीं जाता है, घर में ही छोड़कर चला जाता है। वही बोल रहा है अब मैं जाऊँगा, फिर बाद में तुम ही देखते रहना। तो दिनेश तो रोने लगा, तो फिर बाद में मैंने जैसे जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ वही मोबाइल इसे दे दिया कि तुम भी देख लो। बाहर क्यों झगड़े नहीं, दोनों के झगड़े हो जाते बहुत जल्दी से छोटी छोटी बातों के लिए। तो दीपक अभी भी कॉलेज गए तो ये अकेला है। तो ये देखिए थोड़ा सा फूल के बैठा है, जिसे बात नहीं कर रहा है किसी को भी। बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है दिनेश को, यहाँ पर ऊपर चढ़ा है और आज पेड़ पौधों में खुद खुद पानी भी डाल दिया इसने। जिस दिन गुस्सा हो जाता है ना, तब सारे काम जिम्मेदारी से कर लेता है। तो गुस्से में पेड़ों में पौधों में पानी डाल दिया, फिर यहाँ ऊपर चढ़कर पंछियों से बातें कर रहा है। अब किसी से बातें नहीं करनी, इसे इंसानों से बस पंछियों से बातें करने में लगा है। देखिए सारे पौधे कैसे हरे भरे दिख रहे, बहुत सुंदर दिख रहे। जैसे कि पौधों में ना डेली पानी डालते रहो, बस हरे भरे बने रहेंगे और काफ़ी सुंदर भी दिखेंगे। और मैं बना ले रही हूँ रोटी, सब्जी चावल बन चुका है, रोटी बनानी बाकी है। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी आज काम कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है छत पर चने लेके। चने सारे पानी में भिगो कर रख दूँगी, लाए हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो चनों की दाल बनानी है मुझे, इसीलिए आज चने पानी में भिगो कर रख देती हूँ। आज काफ़ी अच्छी धूप भी है, तो इतने दिन में धूप का ही वेट कर रही थी, सही से धूप नहीं आ पा रही थी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 9 बज रहे और यहाँ पर दाल बन चुकी है, चावल बन चुके हैं और ये रोटी बना रही हूँ। अभी नहीं आए हैं, आते ही होंगे, जब तक ये आ जाते तब तक रोटी बना कर रख दूँ। दिनेश खाना खा ले रहा है, दिनेश की छुट्टी है, स्कूल नहीं है उसके, उसकी छुट्टी हो खाना खा ले रहा है। दीपक कॉलेज गया है, उसे चपाती और गाजर की सब्जी बनाई थी सुबह, और नाश्ते में पोहा बना था तो उसका हो चुका है। और मैं नहाकर पूजा वगैरह कर लिए पहले ही, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम निपटा लिए क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी धूप है। और ये चने ला कर रख दिए, चने की दाल बनानी है मुझे, तो चने को मुझे पानी में 1 घंटे तक भिगो कर फिर उसे पानी में से निकाल कर रख देना है। तो ये सारे काम करने हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए मैंने। और आज साड़ी नहीं पहनी है, ऐसे ही गाँव में हूँ क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा गाँव में अच्छा लग रहा है, जैसे कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, इसीलिए गर्मी के कारण मैंने आज साड़ी नहीं पहनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ऐसे गर्मियों के दिन में थोड़े से ढीले ढाले कपड़े सही होते हैं। फटाफट से रोटी बना लूँ, फिर आ जाएंगे, खाना खाकर ग्यारह चले जाएंगे, फिर मैं और दिनेश मिलकर चने सारे छत पर लेके जाएंगे और वहीं पर धुलेंगे, फिर कल उसे सुखाना ही पड़ेगा। तो एक तो छत के ऊपर जैसे फेरे लगते हैं तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, इसलिए पहले चने में छत पर ही जाकर धो लेंगे और वहीं पर रख दूँगी उसे, फिर कल सुबह वहीं पे उसे फैलाने आ जाएगा, फिर उसकी दाल भी बना लूँगी। खाना वाना खा के किचन के सारे काम निपटा कर मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ पर ये पापड़ रखे हुए हैं, ये पापड़ बनाए हुए 8 दिन हो गए और यहीं पतीले में रख दिए मैंने इसे। और जो खारुड़े वो इस तरह से इसमें रख दिए हैं, तो इसे मैं आज धूप में डाल दूंगी, आज एक दिन धूप देकर फिर मैं इसे डब्बे में भर कर रख दूंगी। तो ये फैन के हवा में अच्छे से सूख चुके हैं, इतने दिन सही से धूप भी नहीं निकल पा रही थी, मगर कल से बहुत अच्छी धूप है, कल भी मुझे यहाँ ऊपर आना नहीं हुआ, तो आज मैंने सोचा कि छत पर ही बहुत सारे काम है तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर छत पर आ चुकी हूँ। तो पहले ये पापड़ वगैरह मैं धूप में डाल देती हूँ, धूप देखिए बहुत अच्छी धूप है आज, तो ये पापड़ अच्छे से सूख जाएंगे, सूखे हुए फिर भी थोड़ी सी धूप दे देंगे ताकि ख़राब ना हो जाए, स्टोर करके रखना है इसे डब्बे में, तो अच्छे से सूख जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो ख़राब हो सकते हैं, जैसे जाले वगैरह भी लग सकते हैं अगर सही से नहीं सूखे तो। इन पापड़ के ऊपर मैं इस तरह से ढक दूँगी और ईंटें रख दूँगी, बहुत तेज़ हवा है तो सारे पापड़ उड़कर नीचे चले जाएंगे, एक भी मुझे मिलेगा ही बाद में, बहुत हवा है, तो अच्छे से इसे सुखाकर कवर कर दिया है।
धूप काफ़ी अच्छी है तो पापड़ सारे फैला दिए और ऊपर से ढक दिया है, नहीं तो एक भी पापड़ नहीं बचेगा। बहुत तेज़ हवा है, हवा में सारे उड़ उड़ के चले जाएंगे। अच्छे से कवर करके मैं चले नीचे पतला वगैरह यहीं पर रख दिया है क्योंकि मुझे अभी चने धुलने हैं तो जाकर चने ले आती हूँ। दो से तीन भाग करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चने हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे। इस थैले में चने हैं तो ये 50 किलो चने हैं तो इसे मैं तीन भागों में कर दूंगी। अगर ये होते दिनेश के पापा होते ना तो दो बारी में ही लेके जाते, मगर हमसे हो नहीं पाए गए क्योंकि छत पर जाने हैं लेके। वैसे खाली चलने में ही पैरों में दर्द हो जाता है, अगर इतना वजनदार लेके चलेंगे तो बहुत दर्द होगा फिर। तो इसे मैं तीन भागों में करके तसल्ली से लेके जाऊँगी। अगर सीधे रास्ते से चलना हो ना तो थोड़ा सा वजन लेके चल भी सकता है, अगर छत पर ऊपर चढ़ना है वजन लेके तो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से तीन थैलों में मैं डाल दूंगी। और दिनेश यहीं पर है मगर कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, वो सुबह से ही फूल कर बैठा है। जैसे गुस्सा है हम पर सब पर, बस उस मोबाइल के लिए हो गया, थोड़ा सा कहा सुनी हो गई उन दोनों के बीच में, दीपक और दिनेश के बीच में। तो ये देखिए तब से बात नहीं कर रहा है। तो मैं अकेले सारे काम कर ले रही हूँ तो किसी तरह से दिनेश को मनाकर मैं छत पर लेके जाऊंगी क्योंकि अकेले से ही काम उसे हो नहीं पाएंगे और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो इन चनों को तीन भागों में मैंने कर दिया है तो अब छत पर लेके चलते हैं। और दिनेश अभी भी खाना खा ले रहा था तो नीचे चावल फैला दी इसने, तो वही झाड़ू मार रहा है, खुद ब खुद कर रहा है। जैसे बात नहीं करता ना, जिस दिन खुद ब खुद अपने अपने काम करने में लग जाता है। थैलों को अच्छे से बांध दिया है, अब एक एक करके लेके चलती हूँ क्योंकि दिनेश भी आने वाला है नहीं, खुद ब खुद लेके चलते हैं कहीं बाद में लेट ना हो जाए। अभी कपड़े धुलने हैं तो फटाफट से चने पानी में डालकर मैं आ जाती हूँ। जैसे एक घंटे तक इसे पानी में ही रखना है, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ नीचे आके। तो सारे चने ऊपर ले जाकर रख दिए मैंने, फिर बाद में पतीले और क्या ये लकड़ी का टोकरा छोटा बकेट ये सब लेके आई हूँ। और फिर बाद में दिनेश को भी लेके आई हूँ किसी तरह से मना के, और कितना गुस्सा है देखिए कैसे कर रहा है, सब फेंक रहा है इधर से उधर उधर से इधर। यहाँ पर सिंटेक्स में का पानी दिनेश निकाल कर दे रहा है और मैं चने सारे इन पतीलों में डाल दूँगी। काफ़ी बड़े पतीले हैं तो ये दो पतीलों में सारे चने आ जाएंगे, जिसे हमें भिगो कर रखना है इसीलिए एक साथ ही डाल देने सभी। दिनेश ने पानी निकाल दिया है, गुस्से में सही मगर काम कर ले रहा है, नहीं तो अकेले से हो नहीं पाती मुझसे भी। और इन चनों में ना थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी सी है तो इन्हें मैं पहले धुल कर पानी निकाल दूंगी, फिर बाद में दूसरा पानी इसमें डाल देंगे। जैसे चने डालकर थोड़ी देर रख दिया तो सारा पानी मिट्टी मिट्टी हो गया, इन चनों में मिट्टी मिट्टी थी, एक एक दो दो ऐसी मिट्टी थी अंदर। तो इसी वजह से तो ये जो भी कचरा वगैरह आ चुका है तो ये सारा पानी, गंदा जो पानी है सारा निकाल कर हम यहाँ सिंटेक्स में पुदीना लगाया हमने। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से पुदीना आ भी रहा है और इसमें नींबू का पौधा है, चीकू का है, बहुत सारे पौधे से में लगा दिए हमने, काफ़ी बड़ा सिंटेक्स है। तो ये सारा पानी निकाल निकाल कर इस सिंटेक्स में डाल दे रहा है दिनेश। पहले तो मैं सोच रही थी ना ये पानी निकाल कर दूसरा पानी डालकर रख दूंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अभी दूसरी बार भी मैंने पानी डाला तो वो भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, फिर इसीलिए मैंने तीन बार चने धुले हैं, तीन बार धुलकर अब चौथी बार है जब दिनेश इसमें पानी डाल रहा है तो थोड़ा सा साफ पानी अब दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा साफ दिख रहा है। तीन बार धुले मैंने, बहुत मिट्टी थी इसमें और सारा कचरा भी जो है ऊपर का सारा निकल गया है, जिसे बहुत सारा पानी डालने से कचरा भी ऊपर आ जाता है। तो अब थोड़ी देर अच्छे से मिलाकर हम इसे रख देंगे। तो एक घंटे तक ये चने भीगते रहेंगे पानी में। हम चलते हैं नीचे, बहुत धूप है यहाँ पर और कपड़े भी धुलने, तो तब तक मेरे कपड़े भी धुलने हो जाएंगे जब तक चने भीगते रहेंगे। तो दिनेश को लेकर चलती हूँ, ये बहुत गुस्सा है और गुस्से में इधर से उधर उधर से इधर सामान भी फेंक रहा है, तो साइकिल का ये चाक निकाल कर खेल रहा है। तो हम आ चुके हैं नीचे और दिनेश का थोड़ा सा गुस्सा अब शांत हो गया है। तो ये जो कार्टून लगा है ना, तो उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वही बता रहा है मुझे।
और साथ में खरबूजा भी खा रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, धूप में से आए हम। अब चलिए चलते हैं छत पर। एक घंटा हो चुका है तो अब चने पानी में से निकाल देते हैं। तो जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा है वैसे वैसे धूप बढ़ती जा रही है। बहुत धूप हो गई, अब तो दोपहर के 1 बज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। तो चने भी पानी में अच्छे से भीग चुके हैं 1 घंटे तक, और सारा पानी इन्होंने सोख लिया था। तो अभी थोड़ा सा पानी डाल देते इसमें। तो अभी थोड़ा सा पानी डाला है तो ये देखिए चने अच्छे से फूल चुके हैं। जैसे पूरे फुलाने नहीं, हमें आधे फूल चुके हैं, 1 घंटे पानी में रहे तो काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इन्हें पानी में से निकाल देते हैं और इस लकड़ी के टोकरे में डाल देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा। फिर बाद में हम इसे थैले में डालकर बांध कर रख देंगे। तो दिनेश है, इसी वजह से थोड़ी सी हेल्प हो गई, नहीं तो अकेले से ना बहुत भागदौड़ हो जाती। जैसे सिंटेक्स में का पानी निकालना, ऊपर से इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी लग रही है, और उसमें ऐसे काम में भी टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो एक से भले दो लोग होंगे तो बहुत जल्दी से काम हो जाएंगे। तो सारे चने धुल कर जैसे अच्छे से पानी में से निकाल कर, पानी सारा लकड़ी के टोकरे में डालने से सारा पानी जो है नीचे चला गया है, इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है, बस गीले चने हैं। तो इन्हें थैले में बांध कर रख देंगे इस तरह से, और रात भर इसी तरह से बांध कर हम रख देंगे, और कल सुबह जल्दी से मैं इसे फैला दूँगी। ऐसा करने से ना चने के ऊपर एक भी छिलका नहीं रहेगा जब हम दाल बनाएंगे, तो बहुत अच्छे से दाल आ जाएगी। जैसे मील में मिलते बिल्कुल उसी तरह से दाल बन जाती है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है हमें, मगर बहुत अच्छे से दाल बन जाएगी। तो ये सारे पतीले वतीले लेकर नीचे चलते हैं। दिनेश इन सिंटेक्स का ढक्कन लगा दे रहा है, दोनों भी सिंटेक्स में का थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया है दिनेश ने। हवा बहुत तेज़ है, सारे ढक्कन जो उड़ सकते हैं, इसी वजह से अच्छे से लगा कर हम चल रहे हैं नीचे। दोपहर के 12:30 बज रहे और अभी हम चने धुलकर आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा धूप है। तो चलिए, आज दिनेश ने खाना नहीं खाया क्योंकि इसके मुँह में छाले हो गए, और इसे जो भी खाए तीखा लग रहा है। तो उसके लिए मैं चावल की खीर बनाने जा रही हूँ। तो चावल भिगो कर ही गई थी मैं, तो यहाँ पर ग्लास में चावल भिगो कर रख दिए है। चावल अच्छे से भीग चुके हैं तो हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे और खीर बना लेती हूँ। और कपड़े भी धुलने हैं, कपड़े बाहर ले जाकर रख दिए, पहले दिनेश के लिए खीर बना दूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जैसे दाल चावल ले लिया उसने, जैसे तीखा लगने लगा तो वैसे ही रखकर चला गया वो बाहर। चावल की खीर बनाने के लिए चावल और इलायची साथ में ही पीस ली है, आधी कटोरी चावल और 2 इलायची मैंने साथ में ही पीस ली है। और यहाँ पर दूध भी गर्म हो चुका है अच्छे से, तो इसमें चावल डालकर हम तुरंत ही मिलाते रहेंगे, इसमें गुट्टी नहीं बनने देंगे। और चावल की खीर ना बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है, जैसे बच्चा भी बना सकता है इसे, इतनी आसानी और खाने में उतनी टेस्टी। जैसे चावल पक गए फिर बाद में मैंने इसमें चीनी डाल दी है और स्वाद अनुसार नमक, जैसे 1 चुटकी नमक डाल के अच्छे से इसे पका लेंगे। अब डालेंगे काजू, इस तरह से टुकड़े बनाकर काजू डाल दिया है, अच्छे से मिला लेंगे, बस खीर तैयार है। तो दिनेश को पहले मैं चपाती और खीर खाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि सुबह चावल तो ले लिए इसने, सारे चावल फैला ही दिया था गुस्से में, और तीखा भी बहुत लग रहा था, इसे खाने नहीं आ रहा है कुछ भी, ऐसे मुँह में छाले बने रहते हम, जैसे इसके छाले कम भी नहीं होते, जैसे चॉकलेट वगैरह भी नहीं खा रहा है अब तो ये, फिर भी छाले कम नहीं हो रहे। दवाई भी ले आए हैं जैसे वो छालों के ऊपर लगाने के लिए। तो जब ये बोर्ड साफ कर रहे थे तब ये फैन के जो बटन है वो निकल कर नीचे गिर गए, तो वही दिनेश लगा दे रहा है। और ये देखिए कूलर ना बहुत दिनों से बंद पड़ा है तो ये चल नहीं पा रहा है, इसमें ना चूहे जाकर घर बनाकर फिर वो वायर वगैरह सारे काट दिए हैं, तो दिनेश वही जोड़ दे रहा है। तो जब गर्मी हो रही तब कूलर की याद आ जाती है, नहीं तो इतने दिनों में फ़ैन ही लगा रहे थे हम, फैन की भी हवा एकदम गर्म आ रही है, तो इसी वजह से अब कूलर की ज़रूरत है हमें। तो दिनेश सारे वायर वगैरह जोड़ दे रहा है, तो आज इसके ही काम चलेंगे। अब तक तो चने वने का काम चल रहा था, अब ये कूलर का काम करेगा, तो इसे करने देते हैं। अब इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोज़ न्यू व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।